अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। प्यारे दोस्तों, सब लोग कहते रहते हैं कि मैं बैठ कर अंदर कमरे में वीडियो बनाकर सेंड कर देता हूँ, लड़के कहते हैं कि आप बाहर भी निकल के बनाएं। इस मरतबा मैं बाहर निकला हूँ कोरिया के सबसे बड़े सूबे ख्यंगिदो का एक शहर है युंगिंदे, जहाँ पर 200 तकरीबन पाकिस्तानी हैं। और पूरे कोरिया में इस वक्त दो जगह हैं जो कोरियन हिस्टोरिकल प्लेसेस कही जाती है, जिन्हें हनक मॉल भी कहते हैं और हंगकोक मिनसोकचुन भी कहते हैं। इस वक्त हम युंगिन में हैं और आज आपको यहाँ की सैर कराते हैं कि कोरियन कल्चर और कोरियन सकाफत ने अपने जो फोक उनका विलेज था, जो फोक उनका जो उनके अपने मुल्क की सकाफत थी, कल्चर था, पुरानी सकाफत थी, उसको उसने किस तरह महफूज करके रखा हुआ है। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखकर खूब इंजॉय करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि युंगिन इनंगो हंगुग मिनसोंग छक्का इगो वसंतशियो वे इरोके हंगुगे मंदोगो इसमनिका 1970년도에 네 한국의 그 고유의 민소 네 조선 시대부터 고려 시대 네 그때부터의 그 모습을 보여주기 위하여 네 만들었습니다. 아 여기에 만들었나 이렇게 오래 됐었어요. 그럼 네. 여기에서 구경 안 한 거 뭐 있습니까? 역사로 일단 한국 고유의 가옥 네 그 고유의 민속놀이 네 이런 것을 주 하고 있습니다. 네 특정 지방만이 아닌 전국 네. 팔도의 전통 가옥을 골고루 다 표현해 두었어요. 민속축의 एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस में दाखिल हो रहे हैं जिसमें इन लोगों के बादशाह रहा करते थे। ये देखें, इनके धेती टाइप का बनाए हुए थे जो पहले दौरों के हुआ करते थे, जो इन्होंने बनाए हुए हैं अपने। और यहाँ पर लोग आते हैं, रेस्ट करते हैं, यहाँ पर इनका कल्चर देखते हैं कि कैसे इन लोगों ने इसे डिवेलप किया था। इनके इन तारीखी घरों में ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये एक ड्रामा था, इसका नाम था सोवन। ये कोरियन तारीख का सबसे मशहूर ड्रामा है और इस ड्रामे की जो शूटिंग हुई थी वो इसी जगह पे हुई थी। ये देखिए जनाब, ये देख रहे हैं। और अब आपको हम एक ऐसे घर में ले कर चलते हैं जहाँ पर ये बिल्कुल आसित थी 50-60 साल पीछे जो इनके घर हुआ करते थे। ये उन कोरियन लोगों की जो गुरबत जब हुआ करती थी, लकड़ी के इनके घर हुआ करते थे। ये अपनी सकाफत को, अपने विरसे को इन्होंने इस तरह संभाल के रखा हुआ है। ये देखेंगे, ये इनका घर होता था। जो कोरिया में बताने की मेन और अहम चीज़ है वो ये है कि कोरिया में अब भी सर्दी पड़ती है और बर्फ़बारी होती है, लेकिन जब पहले बर्फ़बारी और सर्दी पड़ती थी तो ये लोग अपने घरों में अपने गर्म को गर्म किस तरह रखते थे, क्योंकि इसके कोरिया में सारे पहाड़ी हैं, यहाँ पर कोई कपास होती नहीं है कि ये उसकी रजाएं बनाते थे। तो ये अपने घर के जो निचली सतह होती थी जिसे फादक बोलते हैं, तो उसके नीचे उन्होंने सुराख करके नीचे जगह बना के ये उनका रास्ता होता था। इस तरह से नीचे इसमें लकड़ियां डाल के तो वो उसे जो नीचे जलाते थे, जिससे जो उनका जो फर्श होता था वो गर्म हो जाता था और इससे वो लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, अपने कमरे वगैरह को गर्म करते थे। इन चीज़ों को देख कर ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरह सरवाइव किया, किस तरह इन्होंने मेहनत की। ये कोयले वगैरह नीचे रख देते थे या जो है ना, किस तरह इन्होंने अपने सरवाइव किया और इन्होंने अपने ज़िंदगी को कामयाब किया आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, ये इनकी छोटी छोटी भट्टियाँ टाइप हुआ करती थी जिससे ये जो लोग जो है ना आग जलाते थे अपना घर का। भाई जान, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, और इस लिहाज से ये कोरियन लोग जो है ना मेहनती कौम, बहुत ही ज़्यादा मेहनती कौम है, और अपने इस हद तक मेहनत करते हैं कि बंदे को हैरानगी हो जाती है कि ये इस तरह भी मेहनत कर सकते हैं। ये जनाब इनके, ये देखें, ये इनके थंगजंग होते हैं जिसमें ये लोग जो है ना घर में अपनी खिमची बनाते हैं। ये इन्हीं ड्रमों के अंदर, ये मट्टी के हैं, इन्हीं के अंदर ये बनाते थे। तो ये भी इनकी तारीख का एक विरसा है। And what is this? This is the name. 일촌, 일촌 광음 중가경. Second minute is very important. 일촌 광음 중가경.
Second minute is very important. Very important. 가볍게 하지 말라는 것이죠. 가벼이 여기지 말라. 한순간 한순간도 아주 매우 시간은 귀하다. 그런 거죠. 네, 알겠습니다. Important. 예, 그래서 그냥 우리고 먹던 거잖아. 우리고 व्यापारों के ऐसे जो है ये देखें जी, ये जो पुराने दौर में ये लोग अपने घर बनाते थे, तो घरों के बाहर जो पानी जाता था जिसे हम लोग नाली बोलते हैं, ये इनको दरख्तों को काट कर दरमियान में ये उसकी नाली बनाते थे, और उससे उस जो दरख्त की लकड़ी होती थी उस लकड़ी के सेंटर में जगह बना के उसी में से ये पानी का रास्ता बना के इसे बाहर निकालते थे, और उसके आगे जो ज़मीनों में या खेतों वगैरह में पानी डालते थे, इस तरह करते थे। और जब ये पानी यहाँ से आता था तो पानी यहाँ पर आकर ये आगे थोड़ा बड़ी जगह थी, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता था। ये भी एक हौज टाइप उन्होंने दरख्त का बनाया हुआ है, तो इसी में पानी इकट्ठा होता था, फिर वो जब नीचे इन्होंने जो सिस्टम और जगह बनाई हुई है इसी तरह, यानी कि ये दिखा रहे हैं लोगों को, अपनी नौजवान नस्ल को, कि ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह सर्वाइव किया है। ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी तो हर को देता है, लेकिन जो ज़िंदगी होती है उसे कामयाब और अच्छा गुजारने के लिए लोगों को क्या क्या कोशिश कर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मेरे भाई थोड़ा आबशार टाइप इन्होंने ये भी बनाया हुआ, ताकि यहाँ पर अगर कोई बंदा विजिट करने के लिए आया तो उसे ये भी देखने का मौका मिले। इस पर जो है ना, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी इसी पानी के अंदर जो है ना, वो पूरी जो कहते हैं वो भी जो है ना तैर रही है। आप लोगों को भी टाइम हो तो इस मकान का ज़रूर विज़िट करें, ताकि आपको भी ज़िंदगी में कुछ सीखने का और इंजॉय करने का मौका।